हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ब्लैंकेट, कॉलर, कुर्ती, नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये सूट है, ये पैजामा, ये दुपट्टा मेरे पास। तो चलिए कटिंग देखते हैं सूट में। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए मेरे पास सूट है, दो फोल्ड कर लेना है जो है मेरा। मैं आपको यहाँ नीचे भी दिखा रही हूँ। अब हम लोग सीधा देखेंगे तो ये देखिए डिज़ाइन जो नीचे की तरफ झुक रहा है तो ये उल्टा है, तो इसे मैं पलट कर सीधा कर ले रही हूँ। आप भी अगर सूट की डिज़ाइनर सूट की कटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि डिज़ाइन हमारा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इस तरीके से दो बार मोड़ने के बाद अच्छे से बराबर करना है ताकि हमारा कहीं सिकुड़न ना रहे कपड़े में। और इस तरीके से एक बार और मोड़ना है, तो ये हमारा चार बार हो गया। दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। कपड़े को मोड़ने के बाद इस तरीके से इसकी चौड़ाई देखते हैं। जितनी भी आपकी साइज है उससे 2.5 इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा अगर हम रखेंगे तो आखिर कटने के बाद बर्बाद हो जाता है, तो उसी के अनुसार रख लेंगे। अब हम लोग 1/2 इंच कपड़ा ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारा सिलाई में जाएगा, अब हम लोग सूट की लंबाई रखेंगे। सूट की लंबाई आपकी जितनी है उतना रखना है। निशान लगाने के बाद ध्यान रखना है कि सूट की लंबाई आपको अपने अनुसार रखना है। मेरी यहाँ 42 इंच है। सूट की लंबाई मैं 42 इंच इसलिए रख रही हूँ ताकि सूट को हल्का लंबा रखना है, क्योंकि इसके साथ जो पैजामा पहनना है वो पैंट पजामा है। इसलिए अगर पैंट पजामा की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब शोल्डर की चौड़ाई देखते हैं। शोल्डर की चौड़ाई मैं 7 इंच रख रही हूं। अगर आप किसी हेवी इंसान के लिए बना रहे हैं तो इसकी लंबाई आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो पीछे सिकुड़न आ जाएगा। अब आर्म होल की लंबाई देखते हैं। आर्म होल की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच रख रही हूँ इस तरीके से। अब आर्म होल की गोलाई देंगे तो इस तरीके से 1.5 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम लोग चेस्ट साइज रखेंगे। चेस्ट साइज मेरी 44 इंच है, जिसका एक भाग हुआ 11 इंच। तो इस तरीके से 11 इंच पर रख कर मैं निशान लगा रही हूँ। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको अपने चेस्ट साइज के अनुसार यहाँ निशान लगाना है। जितनी भी आपकी चेस्ट साइज है उसका एक भाग यहाँ रखना है और इस तरीके से 1.5 या 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जो कि हमारा अंदर की तरफ रहेगा। अब हम लोग इंची टेप को फिर से यहाँ से रखेंगे और 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। मैं आपको यहाँ सूट से भी नाप के दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से आर्म होल के पास से रख कर नीचे की तरफ इसे नाप लेंगे। देखिए 13 इंच ही आ रहा है। इस तरीके से 13 इंच पर रख कर निशान लगा लेना है। अब हिप साइज रखेंगे। हिप साइज मेरी 46 इंच है, जिसका एक भाग यहाँ रखेंगे जो कि 11.5 इंच आया। यहाँ भी आपको अपने साइज के अनुसार निशान लगाना है, ध्यान रखना है। और 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारा नीचे मोड़ कर सूट की सिलाई करेंगे उसमें जाएगा। इस तरीके से 13 इंच पर निशान लगाना है। अब हम लोग वेस्ट साइज रखेंगे। यहाँ भी आपको अपने साइज के अनुसार रखना है। मैं यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस निशान को सीधा कर लेना है और नीचे भी इस निशान को सीधा कर लेना है। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी भी इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हम नीचे जो चौड़ा रहता है उसकी लंबाई देखेंगे। तो जितना हमारा हिप साइज था आप चाहे तो उसके अनुसार भी रख सकते हैं, या घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरीके से इस निशान को मिला लेना है। और यहाँ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने ऊपर भी 1 इंच रखा था। और इस निशान को भी सीधा कर लेना है।
इसी तरीके से नीचे भी 1 इंच पर रखकर निशान लगाना है कपड़े में। ये हमारा नीचे मार्जिन रहेगा जो नीचे मोड़कर हम लोग सूट की सिलाई करेंगे। अब हम लोग इसकी कटिंग कर निकाल लेंगे। उससे पहले गले की चौड़ाई और लंबाई देखते हैं। मैं यहाँ 3 इंच रख रही हूँ चौड़ाई और निशान लगा लेंगे, क्योंकि आगे जो फ्रंट साइड है उधर हम लोग बोट नेक गले की शेप देंगे, इसलिए 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। और नीचे भी इस तरीके से 3 इंच पर ही निशान लगाना है, आधा इंच कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ते हुए, और इस लाइन को सीधा कर लेना है। इसमें गोलाई देंगे। ध्यान रखना है कि गले की कटिंग अभी नहीं करनी है, गले की कटिंग हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ निशान लगाकर छोड़ देना है। मैं सूट की कटिंग देखी कर चुकी हूँ। कटिंग करने के बाद इस तरीके से कपड़े को पकड़कर यहाँ हल्का सा कट लगा लेना है, ताकि हमें मालूम चले कि हमें इतना ही लॉक करना है। अब कपड़े को खोलकर एक पार्ट को अलग कर लेना है और इस तरीके से बराबर से फिर से मोड़ना है, अच्छे से मिलाना है। और ये जो हमने निशान लगाया था इसकी कटिंग कर अब निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा बराबर रहना चाहिए, और इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को भी इस तरीके से ले लेना है। ध्यान रखना है कि आर्म होल की जो गोलाई है अच्छे से मिल जाए। और यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरीके से 1 इंच पर, और इसमें भी गोल शेप देकर इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। अब फिर से फ्रंट पार्ट को ले लेना है। देखिए आधा इंच की दूरी रखना है हमें। ध्यान रखना है इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारा गला है वो फैल जाएगा। और इस तरीके से 4.5 इंच पर एक और निशान लगाना है, और एक निशान 11 इंच पर लगाना है। इस तरीके से ये 2 निशान हमारा हो गया। अब इंची टेप को फिर से रखेंगे, और इस निशान तक ये जो हमने 4.5 इंच का जो निशान एक लगाया था, इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखना है, एकदम बिल्कुल तिरछा रखना है। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, जैसे हम लोग भी शेप की कटिंग करते हैं ना, वैसे ही कटिंग करना है इस तरीके से, बिल्कुल नीचे की तरफ। अब हम लोग इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरीके से कपड़े को हाथ से दाबते हुए जो हमने 11 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक कट करना है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये कटिंग हमारी हो गई दोनों पार्ट की। अब हम लोग बाजू की कटिंग देखते हैं। तो जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कपड़ा हमारा डबल है, तो इस तरीके से रख लेना है कपड़े को, और एक बार मोड़ना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं, मैं ऐसे ही कटिंग करने वाली हूँ। तो 1 इंच की दूरी रखकर एक निशान लगा लेना है। अब हम लोग बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू की लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, मैं यहाँ 10 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो बाजू की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन कटिंग करने का तरीका यही रहेगा। और इस तरीके से 8 इंच पर इंची टेप को तिरछा रखना है, और एक और लाइन खींचना है। बाजू की गोलाई रखेंगे। बाजू की गोलाई मैं यहाँ 6.5 इंच रख रही हूँ। आपको बाजू की गोलाई आपके अनुसार रखना है, जितना आपके बाजू की गोलाई है उसका एक भाग यहाँ रखना है,
और इस निशान को सीधा कर लेना है और इस तरीके से ऊपर से हल्का सा गोल शेप देकर नीचे डाउन करना है। अब हम लोग इसकी कटिंग कर इसे निकाल लेंगे। इसमें भी 1.5 या 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा अंदर रहेगा। तो यहाँ हमारा लॉक है तो मैं इसे कैंची के सहायता से काट कर अलग कर ले रही हूँ। इस तरीके से खोलकर बीच में भी जो हमारा हल्का सा लॉक है मैं इसे काट ले रही हूँ। ये बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। ये जो हमारा 1 इंच नीचे की तरफ है इसे मोड़ कर इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। अब जो हमने सूट की कटिंग की थी अब उसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और इसे खोलकर सीधा कर लेना है। सबसे पहले हम लोग नेक की सिलाई करेंगे तो इस तरीके से एक पट्टी लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है और एक और पट्टी लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है। ये जो हमारी पतली पट्टी है 2.5 इंच की उसे हम इस साइड रखेंगे और चौड़ी पट्टी को दूसरे तरफ रखना है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो जो हमारी पतली पट्टी है उसकी लंबाई 12.5 इंच है और उसकी 11.5 इंच, क्योंकि जो हमारी मोटी पट्टी है उसे हम डायरेक्ट पलट देंगे। तो मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ और इस तरीके से साइड में हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि गले को पलटने में आसानी हो। दोनों तरफ इस तरीके से हल्का हल्का कट लगा लेना है। अब हम लोग गले की सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा चौड़ी पट्टी है इसे इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ एक सिलाई लगा लेना है ताकि जो कपड़ा हमारा है अच्छे से दब जाए दोनों तरफ। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ कर इसमें हल्का सा मोड़ना है और इसे पूरा इस तरीके से मोड़ कर सिलाई लगा लेना है। जिस तरीके से हम लोग ब्लाउज़ में पट्टी की सिलाई करते हैं ना वैसे ही सिलाई करना है यहाँ। और नीचे अच्छे तरीके से मोड़ते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई लगाना है। दोनों पट्टी की सिलाई मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए दोनों हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरीके से सील कर इस गले को लॉक करेंगे। तो इसके ऊपर इस तरीके से रखना है ताकि जो हमारा नीचे वाला पट्टी है वो अच्छी तरीके से ढक जाए। अंदर की तरफ ही रहना चाहिए और अच्छे से बराबर से मिलाकर यहाँ अच्छी तरीके से लॉक करते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ हमारा ऊपर वाला पट्टी में खुला हुआ है इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए अच्छी तरीके से मोड़ लेना है। नीचे लॉक करते हुए इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाकर अच्छे से लॉक कर लेना है ताकि हमारा खुले नहीं। गले की सिलाई करने के बाद बैक पार्ट को लेकर शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। और ये कपड़ा हम लोग जब भी सिलते हैं तो ये मसक कर निकल जाता है देखिए इस तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है तो इस तरीके से पूरे गोलाई में कपड़े को देकर सिल लेना है। इसके साथ इस तरीके से दूसरे तरफ भी कर लेना है। अब हम लोग बाजू को इसके साथ अटैच करेंगे। नीचे सिलाई लगाने के बाद बाजू में इस तरीके से, तो ये भी हमारा मसकने वाला है। तो इसके लिए जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है अगर कॉटन का, अगर ब्लाउज़ की पीस की आप कटिंग करते हैं तो उसमें से बचता ही है, तो इस तरीके से इसके ऊपर रख कर पूरे गोलाई में सिलाई लगा कर इसे काट कर अलग कर लेंगे और सूट के साथ अटैच करेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ देखिए। अगर इस तरीके से आप इस कपड़े के सूट की कटिंग करते हैं, ज़्यादातर इस कपड़े में क्या होता है कि मसक जाता है, तो इस तरीके से कपड़े लगाकर अगर आप इसकी सिलाई करेंगे तो नहीं मसकेगा। इस तरीके से पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेना है, सूट में फिटिंग की सिलाई लगा लेना है और नीचे भी जिस तरीके से सिंपल सूट में लगाते हैं वैसे ही अब कॉलर लगा लेंगे। अगर कॉलर की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।